यूपी के मुजफ्फरनगर में सिटी मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार सिंह और ड्रग इंस्पेक्टर लवकुश प्रसाद ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक हॉस्पिटल को सील कर दिया और लाखों रुपए की अवैध दवाइयां बरामद की हैं। इसके साथ ही हॉस्पिटल से कई लोगों को हिरासत में लिया है। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद रहा। सिटी मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि मुजफ्फरनगर के मदीना चौक पर एक सिटी हॉस्पिटल है, उसकी कुछ दिनों से शिकायत मिल रही थी। यहां कोई भी डॉक्टर विजिट नहीं कर रहे हैं, बावजूद इसके इस हॉस्पिटल में कर्मचारियों द्वारा मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इसी संबंध में सीएमओ ऑफिस के नोडल अधिकारी और जिला प्रशासन द्वारा हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान यहाँ कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था, केवल एक नर्स यहाँ मिली और एक मरीज भी भर्ती मिला जिसका रात को ऑपरेशन हुआ है। हॉस्पिटल में अनियमितताएं मिलने पर इस हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। देखिए, आज सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत मदीना चौक पर बजेड़ी रोड की तरफ एक अपना सिटी हॉस्पिटल है, उसमें आज स्वास्थ्य विभाग की टीम तथा औषधि निरीक्षक की टीम के साथ हमने आज निरीक्षण किया उसका, और निरीक्षण में ये पाया गया कि वहाँ पर जो भी डॉक्टर्स पंजीकृत थे उनमें से कोई भी डॉक्टर वहाँ उपस्थित नहीं मिला। जो पैरामेडिकल स्टाफ थे वो भी कोई उपस्थित नहीं मिला, जबकि एक पेशेंट वहाँ पर भर्ती पाया गया जिसको ड्रिप चढ़ाई जा रही थी। जब उस पेशेंट से वार्ता की गई तो उनके द्वारा बताया गया कल रात्रि में उनके द्वारा उनका ऑपरेशन भी यहाँ पर किया गया है। तो प्रथम दृष्टया ये बड़ा गंभीर अनियमितता प्रतीत होती है कि बिना किसी डॉक्टर की उपस्थिति में वहाँ पर पेशेंट भी है और कोई भी पैरामेडिकल स्टाफ भी वहाँ उपस्थित नहीं मिला। इसके साथ ही हॉस्पिटल के अंदर एक मेडिकल स्टोर भी संचालित पाया गया, उनके संबंध में भी ना तो वहाँ कोई अधिकृत व्यक्ति जो ये सेल कर सकता है दवाइयों की वो उपस्थित मिला, और ना ही कोई वहाँ पर उनका लाइसेंस दिखा पाए। इस प्रकार ये प्रतीत होता है कि मेडिकल स्टोर भी बिना लाइसेंस के अवैध रूप से वहाँ चलाया जा रहा था। फिलहाल हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर दोनों को सील कर दिया है। बड़ा सवाल ये है कि जब इस हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर विजिट नहीं कर रहा है तो आखिर हॉस्पिटल में मिले मरीज का इलाज किसने और कैसे किया है। हालांकि मरीज को सरकारी अस्पताल में भर्ती जरूर करवा दिया गया है, लेकिन मरीज का ऑपरेशन किसने किया।